नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार पर। आज हम आपको इन्हीं की मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे और इन्हीं की ज़िंदगी के हालात वाक़यात बताएंगे। नाज़रीन, हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह 98 हिजरी में मदीना पाक में पैदा हुए। आपका असल नाम सैयद अब्दुल्ला था और आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी और आपका लकब अल अश्तर था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालदे ग्रामी ही से हासिल की। नाज़रीन, हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सादात में से थे। आपका सिलसिला नसब 5वीं पुज से मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम से जाके मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब लड़कपन में थे तो उस वक़्त बनू उमैया की हुकूमत अपने आखिरी सांसें ले रही थी, तो आपके वालिद मोहतरम ने आपको सिंध हिजरत करने का हुक्म फरमाया। तो आपने हुक्म को बजा लाते हुए सिंध में हिजरत फरमाई। आप सिंध आने वाले पहले सादात में से थे। आपने यहाँ पर आकर दीन इस्लाम की तबलीग की और बहुत से गैर मुसलमों को ईमान के नूर से नवाजा। नाज़रीन, सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर बहुत से मारूफ़ शख्सियात की आखिरी आरामगाह भी है, जिनमें इमाम शाह अहमद नूरानी, उन्हीं के साथ साथ अलहाज यूसुफ मेमन, उन्हीं के साथ जो कॉमेडी किंग हैं उमर शरीफ उनकी, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की आखिरी आरामगाह भी अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते ही में मौजूद है। नाज़रीन, हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए वक़्फ़ कर दी और आपने अब इस्लाम के परचम को सारी ज़िंदगी सरनगू रखा। आपका सालाना उर्स हर साल ज़िलहज के महीने में 20, 21 और 22 तारीख को होता है, जहां पाकिस्तान भर से ज़ायरीन फ्यूज़ बरक़ात के लिए तशरीफ़ लाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने मेहरबान।